सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर जहाँ का एक वेब सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम पे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं जा रहा हूँ मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में हमारी जो कुल देवी हैं वो भी हैं और जिनका नाम है विंध्यवासिनी देवी। तो आज हम उन्हीं के मंदिर जा रहे हैं और साथ ही में वहाँ पे 2-3 मंदिर और भी है, तो वहाँ पे भी हम दर्शन करने जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे गंगा माता भी हैं, तो हम पहले गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। उस जगह के जहाँ पे मंदिर है उसको विंध्याचल भी बोलते हैं। मिर्ज़ापुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और जो जगह है उसका नाम है विंध्याचल, क्योंकि वहाँ पे विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है इसलिए उस जगह का नाम है विंध्याचल। तो आपको लेकर चलते हैं हम। अभी हम हैं गंगा के पुल पे और इस पुल का नाम है चिल पुल। आप देख सकते हैं गंगा बह रही है, बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है देख के। गंगा का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है और मेरे पीछे सनराइज़ हो रहा है और नीचे गंगा बह रही है। वहाँ पे कुछ बोट भी चल रही है और इस पूरे एरिया में थोड़ी थोड़ी धुंध भी है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी हूँ इस पुल पे और ये जो पूरा एरिया है ये धुंध से ढका हुआ है। आप देख सकते हैं मुझे दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि पूरे में धुंध ही धुंध है। अभी मैं गाड़ी में वापस जाता हूँ क्योंकि हम ये टू वे सड़क है और हम गाड़ी सड़क के बीच में लगा के खड़े हैं, तो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी का जो अभी गेट था वो हमने एंटर कर दिया है, तो और अभी हम जा रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर की साइड। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ विंध्याचल मंदिर में। मंदिर जाने से पहले हमें गंगा में स्नान भी करना है, तो हम उसी साइड जा रहे हैं। और ये जो शहर है ये बहुत ही ज़्यादा इस यहाँ पे एक शक्तिपीठ है, इनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। हम उसी साइड जा रहे हैं, अब काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गंगा नहाने, उसके बाद जाएंगे माता के दर्शन के लिए। तो ये है वो रास्ता। विंध्यवासिनी घाट, विंध्यवासिनी घाट यहाँ पे बच्चों का मुंडन होता है।
सुनाई का। तो फ्रेंड्स अभी हम गंगा घाट पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा। यहाँ भी साइबेरियन बर्ड्स आई हुई हैं और किनारे के आसपास ही ये घूमती रहती हैं। यहाँ पे मेरे पीछे एक बच्चे का मुंडन भी चल रहा है। फ्रेंड्स मैं 5 डुबकी लगा के आ चुका हूँ और अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। ओम चंदन महत्पूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा आनंद रह माई कल्याण करे जय जय गाय। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ विंध्याचल आके। कहीं मैं जाने वाला हूँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए भी। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, मज़ा आया, पर जैसे ही बाहर आया पानी से तो वैसे ही एकदम से मैं मतलब नॉर्मल हो गया गर्म। तो अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो नहाने आए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों का मुंडन चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ से अभी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद जो ये रास्ता है सीधा मंदिर की तरफ ही जाएगा, तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। इस एरिया में थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है अभी, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो ये पूरा रास्ता ठीक था। अभी शायद ये जो गलियाँ हैं ये चौड़ी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे खोद रखा है। शादी लगी थी। तो फ्रेंड्स हम मंदिर पहुँच चुके हैं। पहले जो मंदिर के आसपास का एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होता था, पर अब यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। यहाँ सारी जो मार्केट है आसपास की ये तोड़ के बहुत ही ज़्यादा चौड़ा कर दिया है रोड, और ये है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। ये जो मंदिर है ये एक शक्तिपीठ भी है, ये विंध्यवासिनी देवी एक शक्तिपीठ है। तो अभी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अपना कैमरा बाहर छोड़ के दर्शन करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यही है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। हम जाना था। तो फ्रेंड्स अभी हमने प्रसाद ले लिया और अब चलते हैं माता के दर्शन के लिए।
तो फ्रेंड्स अभी मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा सुबह बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग, तो मंदिर में हमें इतनी भीड़ नहीं मिली, पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। मेरे जो बिल्कुल पीछे है ये है माता का मंदिर, तो हमारे दर्शन बहुत ही आराम से हो गए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पर आज से पहले मैं जितनी बार भी आया हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। और जो ये आसपास का एरिया है, पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुकानें और ये पूरा जो एरिया है सारा बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ होता था, बट अभी इस एरिया को मंदिर के चलते बहुत ही ज़्यादा खाली कर दिया गया है। आधे बहुत ज़्यादा मतलब पहले ये यहाँ तक मंदिर के बिल्कुल बाहर दरवाजे तक जो है दुकानें होती थी, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना सामान ले लेते हैं, हमने जिस दुकान से सामान लिया था, ये जो दुकान है ये मंदिर के बिल्कुल सामने है, तो हमने यहीं से प्रसाद लिया, फिर हमने अपना सामान जो है लगेज यहीं पे रख दिया था। तो अभी अपना लगेज लेके हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने ग्रुप फ़ोटो भी ले ली है याद के तौर पे कि कौन कौन हम लोग आए थे। तो हम चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ। तो अब हम चल चुके हैं वापस। ये जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ पे हर तरफ कीर्तन की बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। अभी भी सामने एक जगह पे कीर्तन चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मेरे बीच बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी कीर्तन की, तो बहुत ही आनंद आ रहा है ये देख के। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं चाय की दुकान पर और ये हमारे लिए चाय बन रही है कुल्हड़ वाली। अभी चाय पी ली है और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और इन्जॉय करते हैं अपने आज के दिन को। तो फ्रेंड्स अभी हम चल पड़े हैं वापस बनारस की तरफ। अभी जिस हाईवे पे हम हैं ये है NH-19। तो NH-19 जो है ये हमारी देश की राजधानी दिल्ली को कलकत्ता के साथ जोड़ता है। तो अभी हम इसी हाईवे पे हमारी जो गाड़ी है वो चल रही है और बहुत ही अच्छा हाईवे है ये, 6-lane हाईवे है ये। और ये जो हाईवे है बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं मेरे आसपास की सिर्फ मतलब गाँव से और बिल्कुल इंटीरियर, बिल्कुल हमारे देश के इंटीरियर एरिया से निकलता है ये। फ्रेंड्स अभी हम वापस आ चुके हैं और ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम गए थे विंध्याचल। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज हमें जाके। तो अभी जो टाइम है वो 11 बज रहे हैं, हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकले थे और हम अभी 11 बजे